नमस्कार। तो आज शनिवार है और एक बार फिर स्वागत है आपका आवाज के इस खास कार्यक्रम। दर्शकों, आज हम सीधे बात करेंगे, स्पष्ट बात करेंगे। बीते 10 दिनों से जो तस्वीरें लगातार इंडियन टीवी मीडिया में तैर रही हैं, उनका एक ही कीवर्ड है, अ सिंगल कीवर्ड, जो कि आपके आसपास जो अभी माहौल नुमा तस्वीरें दिख रही हैं वो साफ कर, और वो एक कीवर्ड है, रूस वर्सेस यूक्रेन। रूस का यूक्रेन पर हमला या फिर रूस का यूक्रेन में मिलिट्री ऑपरेशन। 24 तारीख को इसकी घोषणा होती है और इसके बाद लगातार इंटरनेशनल मीडिया में इसका हाहाकार है, इसकी बातें हैं, सब कुछ। इंडियन मीडिया भी पल पल की खबर, फ्रॉम ए टू जेड हर खबर आप तक पहुंचे। लेकिन आवाज की टीम, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, कि हर उस खबर पर काम करती है जहां पर हमारे अपने लोग सर्वोपरि, जहां समाज की बात सबसे पहले। क्योंकि हमेशा मैंने एक बात कही कि जर्नलिज्म जो है वो दरअसल महज इतना नहीं है कि हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपको खबरें बताएं या फिर किसी खबर को ज्यों का त्यों आपके सामने परोसे या किसी इवेंट को आपके सामने ब्रॉडकास्ट करें। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, ये और है कि हम समाज के हित की बात करें। और ऐसे में एक बार फिर जब सभी मीडिया चैनल्स आपको लगातार यूक्रेन पर किस तरीके की हमले की पल पल की खबरें बताते जा रहे थे, हम लगातार उन लोगों से संवाद कर रहे थे, उन सभी लोगों से बातचीत कर रहे थे जो हमारे अपने लोग हैं। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। लेकिन इस मामले में हमने सीधे तौर पर एक बात रखी कि हमने सिर्फ भारतीयों को पहले रखा, भारत को सर्वप्रथम रखा, अपने लोगों को सबसे आगे रखा, क्योंकि हमारे अपने लोग हमारे लिए सर्वोपरि। दर्शकों, अपनी सीमाओं को बचाना हर देश का अधिकार है, चाहे वो रूस हो चाहे यूक्रेन। रूस को अगर लगता है कि उसका देश किसी संकट में आ सकता है तो उसको पूरा अधिकार है कि वो किसी भी तरीकों से अपने देश को बचाने की भरपूर कोशिश करे और भंसकर प्रयास करे। और ऐसा ही यूक्रेन के लिए, अगर उसको लगता है कि उसका मुल्क, उसका वतन, उसका देश, उसका नेशन, उसकी कंट्री अगर सुरक्षित है कि वो अब युद्ध के तार छेड़ दे, तो ये उनकी मर्जी है, उनका मसला है। यूक्रेन के साथ गलत हुआ, ठीक हुआ, ये एक अलग बहस का हिस्सा हो सकता है। रूस जो कर रहा है, ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, ये एक अलग बहस का मसला हो सकता है। लेकिन आवाज की टीम और आवाज के कार्यक्रम में हम लगातार उन लोगों से बात कर रहे थे जो हमारे अपने थे, बाहर थे, फंस गए थे। और जो फंस गए थे वो कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसी भावना रही होगी, और जब वो अपने वतन वापस आ चुके तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर हम आज बातचीत करेंगे। हम आज बातचीत करने के लिए आए हैं। आपको बता दें कि मारिया पोल और वोलो खावा, आपको बता दें कि सीज फायर का ऐलान किया गया है, लेकिन इसके बाद सुमी में भी हमारे काफी लोग फंसे हुए हैं। और भी जगह है जहां पर हमारे काफी लोग फंसे हुए हैं, उनको जल्द लाने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द जो लोग बॉर्डर्स को क्रॉस कर अलग जगह आ रहे हैं उनको ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाया जा रहा है। बाकी जो लोग फंसे हुए हैं उनकी भी कई तस्वीरें हमारे सामने हैं, कई तस्वीर, वो तस्वीर आप सभी ने देखी होगी। लेकिन आज आवाज में हम बात करेंगे उनसे जो वापस हमारे वतन लौट आए हैं। तो सबसे पहले तो उनको बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस कि वो वापस आए हैं। और हमारे साथ सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा, आप स्क्रीन पर हैं, कैसा महसूस कर रही हैं भारत वापस आकर? जोकावा जी, आपको मेरी ऑडियो? हाँ जी जी। सबसे पहले तो ये बताइए, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप वापस आ गए हैं, और बहुत खुशी है हमको कि आप वतन वापस आ गए हैं। आप बताइए कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, जितनी परेशानियों से वहां से निकल के आए हैं, उसके बाद घर का खाना, घर की नींद, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखिए, क्योंकि ऐसा है कि कई मीडिया चैनल्स पर तरह तरह की रिपोर्ट्स दिखाई जा रही है, लोग भी खासा परेशान हैं और लोग भी कह रहे हैं कि ये तो बताइए कि वहां पर परेशानियां हो रही हैं, लेकिन क्या सरकार ने आपकी मदद की या फिर सरकार ने आपकी मदद की और आप वापस आ सके? क्योंकि अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स है, इसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम यहां पर ये क्लैरिटी दे दें कि आप हमको बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, गवर्नमेंट ने आपकी मदद की या नहीं की, आप वहां से वापस कैसे निकले, एक एक एक्सपीरियंस, बहुत खुला समय है आज हमारे पास, खुलकर बात करेंगे, बताइएगा जी। तो गवर्नमेंट की बहुत ही ज्यादा जो हेल्प है,
जितना एक गवर्नमेंट दूसरी कंट्री में फंसे हुए लोगों के लिए कर सकती थी उतना हमारी गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया है। बाकी जैसे जैसे हम लोग, मेरी 24 की फ्लाइट थी तो इसलिए मैं कीव आई हुई थी टर्नोपिल से, तो उस टाइम एयरपोर्ट पे थी। और डायरेक्टर साहब से कहूंगा थोड़ा सा ऑडियो अगर फिक्स कर सके, ऑडियो अगर आप कर सके, अप द लेवल प्लीज। अच्छा ठीक है, जैसे मेरी 24 तारीख की फ्लाइट थी तो मैं एयरपोर्ट आई हुई थी कीव इसलिए, और 24 को हम एयरपोर्ट पर ही थे, हम 10 लोग साथ में थे, और वहीं पर जो है अचानक से हम लोग को एयरपोर्ट से भगा दिया गया, और हम जैसे ही बाहर निकले वैसे ही बॉम्ब ब्लास्ट और मिसाइल्स की आवाज़ें आने लग गई। तो फिर हमें पता चला कि रशिया ने इन्वेजन स्टार्ट कर दिया है, और हम वहाँ से भागे हैं। भागते भागते हम जहाँ पर भी हम हो सके उतना पैदल अपने लगेज के साथ भागते रहे। फिर हम लोग जो है एम्बेसी पहुंचे, एम्बेसी ने हम लोग को स्टे करवाया, हम लोग को ठिकाना दिया रहने का, छत दी, क्योंकि बेसिकली वहां पर सब कुछ, कोई हेल्प के लिए नहीं रुक रहा था, ना कोई कैब अवेलेबल थी, ना कोई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था, तो सारे बच्चे जो है सिर्फ पैदल अपने रास्ते पर निकल चुके थे। हम जब एम्बेसी गए तो वहाँ पर एम्बेसी वालों ने हम वहाँ पर 4 दिन स्टे किया एम्बेसी में, तो एम्बेसी के जो ऑफिशियल्स थे वो जितना कर सकते थे हमारे लिए उन लोगों ने किया, खाना प्रोवाइड करवाया, जबकि सारी शॉप सब कुछ बंद था, तो स्टार्टिंग में उन लोगों ने हम लोग को खाना प्रोवाइड करवाया। खाने के साथ साथ उन लोगों ने जैसे हम लोग को रहने की जगह दी, फिर वहाँ से जब हम, लेकिन एक टाइम था फिर जहाँ पे कर्फ्यू लग गया और जो है खाना वाना सब कुछ खत्म हो रहा था धीरे धीरे, तो फिर हम लोग को बोला गया कि अब इससे आगे हम लोग को ट्रैवल करना पड़ेगा। फिर वहाँ से हम निकल के जो है स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन गए, रेलवे स्टेशन से हम लोग जो वेस्टर्न सिटीज़ हैं कंट्री की जहाँ पर ये सब चीज़ें कम थी, क्योंकि एयर स्ट्राइक्स बढ़ते जा रहे थे, बंकर्स में हम लोग 2 दिन 2 रात हम लोग ने बंकर्स में निकाली। फिर खाने पीने का सब सामान ख़त्म हो चुका था, पीने के लिए पानी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर पैदल ट्रांसपोर्ट भी नहीं था ट्रैवल करने के लिए, तो पैदल चलकर जो है हम स्टेशन तक गए। स्टेशन पर जाने के बाद हम वेस्टर्न सिटी, डूक्स करके सिटी है, वहाँ पर गए, वहाँ से हमने मिनी बस की और हम जो है पोलैंड बॉर्डर तक पहुँचे। बॉर्डर क्रॉस किया, हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारा बॉर्डर इजीली क्रॉस हो गया, बट अभी जैसे कि न्यूज़ में दिखता है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो बॉर्डर पे ही, जिन लोगों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, बट हमारा बॉर्डर क्लियर हुआ। नहीं, अच्छा ये और जानना चाहूँगा आपसे कि जब आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पर किसी तरीके की कुछ तल्खी का सामना करना पड़ा, क्योंकि बताया जा रहा है कि यूक्रेनियन जो सेना है, यूक्रेन की जो सेना है वो किसी तरीके से परेशान कर रही है या फिर बॉर्डर्स क्रॉस करने में किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस किया उस टाइम जैसे इंडियन फ्लैग जो दिखाया जा रहा है, इंडियन फ्लैग का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस था। हम लोग जिस वैन में बैठ के, अच्छा इस चीज को बिल्कुल साफ करिएगा, इस चीज को बिल्कुल साफ कीजिएगा। हाँ। ये बताइएगा, ये जो खबरें आ रही है कि इंडियन फ्लैग वाला जो गाड़ी है, इंडियन फ्लैग वाले जो वाहन है, इंडियन फ्लैग जिन लोगों के पास है उनको परेशान नहीं किया जा रहा है, बीट यूक्रेनियन गवर्नमेंट और यूक्रेनियन आर्मी और बीट रशियन आर्मी, हाँ ये दोनों तरफ से कोई परेशान नहीं कर रहा? बिल्कुल सही बात है ये। हम लोग खुद जो है, हम लोग अपनी वैन के आगे इंडियन फ्लैग जो है लगा के निकले थे, और चेक पोस्ट आए थे, गाड़ी रोकी, बट उन लोगों ने देखा इंडियन फ्लैग है, हमारे पासपोर्ट चेक किए, तो ना कुछ परेशानी इतनी बिल्कुल भी नहीं आई। मतलब इनफैक्ट जो बाकी नेशनलिटी के लोग हैं, पाकिस्तानी हो गए या कुछ चाइनीज भी हल्के थोड़े बहुत, वो लोग खुद जो है इंडियन फ्लैग्स का यूज करके निकले। हम रास्ते पर पाकिस्तानी इंडियन फ्लैग्स का यूज कर रहे हैं, आप बता रही हैं क्या? पाकिस्तानी जो हैं, हाँ, छात्र हैं, वो भी हमारे हालांकि भाई हैं, हाँ, वो भी इंडियन फ्लैग्स का इस्तेमाल कर वो रहे हैं। वो भी जैसे रास्ते पर जब हम निकलते थे तो हम लोगों ने अपने फोन के वॉलपेपर्स पे जो है इंडियन फ्लैग लगा रखा था कि अगर कोई मिलिट्री मिले तो हम दिखा सके कि हम इंडियन स्टूडेंट हैं। काफी सारे जो मेरे साथ के जो लोग एम्बेसी में रुके हुए थे तो वो लोग स्टेशन निकल गए थे ट्रेन में चढ़ने के लिए, पर नहीं जो चढ़ पाए थे तो वो स्टेशन पे फंस गए थे। फिर वहां पर जब मिलिट्री आई उन लोग के सामने गन पॉइंट पे उनको रखा गया, तो उन लोगों ने इंडियन फ्लैग ही दिखाया कि हम इंडियन स्टूडेंट्स हैं। तो जो है इस चीज से काफी, इंडियन फ्लैग से बहुत ज्यादा हेल्प मिली जब तक मैं वहां पर थी। अभी के हालात थोड़े जो है यूक्रेनियंस जो सुनने में आ रहा है, यूक्रेनियंस परेशान कर रहे हैं, मिलिट्री परेशान कर रही है, जब तक मैं वहां थी तब इतना माहौल खराब नहीं था और मिलिट्री भी जो है सपोर्ट कर रही थी इंडियंस का, बीट रशियन और यूक्रेनियन। ठीक है, आप वापस कब लौटे हैं, कौन सी तारीख? मैं यहाँ पर आई हूँ 4 तारीख को, मैं 4 तारीख को यहाँ, मैंने मुरैना में मतलब आई, पोलैंड मैंने क्रॉस कर लिया था 1 तारीख को, 1 तारीख को मैंने बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, उसके बाद में पोलैंड थी।
ठीक है, आपकी आपकी जो डेस्टिनेशन थी वो बॉर्डर से कितना दूर थी, कितना आपको मतलब बॉर्डर पहुंचने में कितना वक्त लगा, कितना समय था, कितना किलोमीटर्स था? कीव से जो लूट सिटी गए तो वो लगभग रहा होगा 400 से 500 किलोमीटर, फिर लूट सिटी से पोलैंड जो बॉर्डर था वो 200 किलोमीटर था, तो उसमें हम लोग ने वैन जो करी थी तो उसमें हमको 2.5-3 घंटे से जो है हम पोलैंड बॉर्डर तक पहुंच गए थे वैन से। हाँ अच्छा ठीक है, उस एक्सपीरियंस को और बताइए कि आपने तो युद्ध नहीं, आज तक युद्ध देखा ही नहीं होगा, युद्ध सुना होगा इतिहास में, बस हिस्ट्री की बुक्स में ही पढ़ा है, बुक्स में पढ़ा है। हाँ हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा है, फर्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस था जहां पर लाइव यू वर लाइव एंड द वॉर वॉज लाइव, तो वहां पर कैसा महसूस कर रहे थे, कैसा कि जल्दी से निकलना है, डर लग रहा था बहुत ज्यादा? हम जब एम्बेसी में रुके हुए थे तो जैसे दिवाली की रात में आसपास पटाखों की आवाजें आती हैं, वैसे उन आवाजों में हम वहाँ पर सोते थे। हम सोते थे, जैसे ही अंधेरा होने लगता था तो हमें लाइट्स ऑन करने की परमिशन नहीं होती थी, ना ही कुछ आवाज निकालने की। तो सारे जो हम 400 से 500 बच्चे थे एक ही छत के नीचे हम लोग जो रहते थे, तो जैसे ही अंधेरा होने लगता था सारी लाइट्स ऑफ हो जाती थी, आवाज कोई नहीं करता था, और फिर हम उसमें हम लोग सारे बैठे रहते थे और आसपास जो है सिर्फ बॉम्ब्स की आवाजें आती रहती थी। एम्बेसी से एक बारी सिर्फ तीन किलोमीटर की दूरी पर एक धमाका भी हुआ था, तो ऐसे करके दो दिन बाद एयर स्ट्राइक्स ज्यादा होने लग गई थी तो हम लोग को बंकर्स में शिफ्ट किया गया। बंकर में क्योंकि माइनस का टेम्परेचर है वहाँ पे, ठंड इतनी ज्यादा है, नीचे अंडरग्राउंड बेसमेंट में हम लोग जाते थे, तो हमारे पास सामान भी कुछ नहीं था कि हम लोग ठंड का भी इतना कर पाए, खाने के लिए भी नहीं था, पानी भी नहीं था, फिर बंकर्स में ठंड इतनी ज्यादा रहती थी तो पूरी रात हमको इतनी ठंड में निकालनी रहती थी। बाकी मेरा तो जो है बॉर्डर क्लियर हुआ आसानी से, लेकिन जो बाकी लोग हैं उन लोग को बॉर्डर्स पे इतनी ज़्यादा दिक्कत आती थी, वहाँ पर वो लोग माइनस के टेम्परेचर में बिना कुछ खाए पिए वहाँ पर वो लोग उन लोग को खड़ा रहना पड़ता था, तो दिक्कतें तो बहुत ज़्यादा थी। तो बिल्कुल आप लाइव बने रही हमारे साथ, तो हमारी बहन हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, आप बिल्कुल लाइव रही, आप बिल्कुल हमारे पीछे वीडियो वॉल पर नजर आ रही है, आप लाइव रहिएगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी खारकीव, सुमी, पिसोचिन, ये तीन वो जगह है जहां पर अभी भी भारतीय छात्र बड़ी तादाद में फंसे हुए हैं। खारकीव की बात करूं तो 300 से ज्यादा की संख्या बताई जा रही है, सुमी की बात करूं तो 700 से ज्यादा, और पिसोचिन की बात करूं तो 1000 से ज्यादा। डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर ही रखना था, ठीक है चलिए। तो आपको बता दूं कि तीन ये जगहों के जो मैंने नाम बताया आपको, इन तीन जगहों पर ये हमारे जो साथी हैं वो फंसे हुए हैं, भारी संख्या में फंसे हुए हैं, तो ये सब फंसे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि पिसोचिन से मारियापोल की जो दूरी है वो दरअसल 600 किलोमीटर की है। मारियापोल वो जगह है जहां पर सीज फायर का ऐलान किया गया है और एक रास्ता बनाया गया ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड का, तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के लिए इवैक्यूएशन का एक रास्ता बनाया गया है। लेकिन मारियापोल से जो पिसोचिन है, इसको आप समझिए, पिसोचिन जो है वो दरअसल 600 किलोमीटर लगभग दूर है, तो यहां पर पहुंचना भी दरअसल बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट। और सबसे पहले मैं बहुत अनुरोध करूंगा अपने प्रोग्राम के डायरेक्टर साहब से, बहुत अनुरोध करूंगा कि अगर हमारे साथ जया जी जुड़ी है तो उनको वापस लीजिएगा, फिर हम वापस आएंगे वापस लौटेंगे, तो वापस अगले हमारे जो साथी हैं हमारे साथ लाइव रहेंगे उन पर हम वापस आएंगे। लेकिन उससे पहले जया जी जो कि हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं उन्हीं पर आखिरी बस कुछ सेकंड के लिए हम उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था बस कि बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप वापस लौटी और जंग के बीच से आप वापस लौटी, आप हीरो हैं और आप वापस लौटी हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये और जानना चाहूंगा आपके साथ एक और दिख रहे हैं मुझको, कौन है, परिचय करा दीजिए। मेरे पापा हैं ये, डॉक्टर पद्मेश उपाध्याय सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। कैसा महसूस कर रहे हैं, बेटी घर वापस आई है, वतन वापस लौट कर आ गई है युद्ध के बीच से? अब इससे अच्छा खुशी की बात हमारे लिए क्या होगी कि मेरी बेटी, मैं इसके लिए दिल्ली में पड़ा हुआ था, लगभग 7 दिन से मैं दिल्ली में पड़ा हुआ था, 24 तारीख से मैं दिल्ली में रुका हुआ था, जब ये आई वहाँ पे 2 तारीख को, तभी से 3 को मैं लेके आया हूँ यहाँ पे, तो इससे मेरे लिए खुशी का क्षण और कुछ हो ही नहीं सकता। और बिल्कुल, मैं बिल्कुल, बस पिता के चेहरे की खुशी जो का भी मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि जब हम बहुत बड़ी मुसीबत में थे उस समय हमें लाइव दिखाया था, मुझे और समक्ष के पापा को लाइव दिखाया था, मेरी बेटी को भी। नाम बताइए किन्होंने, जो हमारी समस्या आपने पहुंचाई सरकार के पास, उसके बाद सरकार ने वो सारी चीजें की जो हमने बोली इसमें। तो आपके चैनल का आपका 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 आशीर्वाद चाहिए, आपका साथ चाहिए, और आपके चेहरे की खुशी जो है
दर्शकों दिखाऊंगा चेहरे की खुशी जो है वो साफ दिखा रही है कि बेटी जब वतन वापस लौट कर आई है तो कितना खुश है। आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप सभी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ जुड़ने का, आवाज की टीम के साथ जुड़ने के लिए। और अब दर्शकों एक और हमारे साथी हैं जो वापस लौटे हैं, वतन वापस आए हैं, कंट्री वापस आए हैं, देश वापस आए, और आज उन लोगों से बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल सच क्या है। क्योंकि बीते दो तीन दिनों से इस तरीके का नैरेटिव, क्योंकि इंडिया इज अ कंट्री वेयर एवरीथिंग गेट्स पॉलिटिसाइज, अगर यहां पर दाल बनना शुरू होती है तो जब तक तड़का नहीं पड़ जाता पॉलिटिक्स का तब तक दाल दरअसल बनके तैयार नहीं, ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। तो आप जब इवैक्यूएशन का प्रोग्राम चल रहा है, जब हमारे लोगों को वापस लाने का लगातार काम चल रहा है, इना प्रोसेस है, प्रोसीजर में है, 20,000 से ज्यादा लोग जो थे दर्शकों, 20,000 से ज्यादा लोग यूक्रेन में भारतीय फंसे थे, 12,000 यूक्रेन छोड़ चुके हैं और अभी भी भारी संख्या में लोग वहां फंसे हुए हैं, उनको इवैक्यूएट करना है। एंड इट इज वेरी यू नो वेरी डिफिकल्ट कि एक युद्धग्रस्त जो देश है, जहां पर एयर स्पेस जो है वो भी कंट्रोल्ड है, और युद्ध के बीच से अपने लोगों को निकाल कर लाना। और मैं आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अरिंदम बागची साहब प्रवक्ता जो है उन्होंने स्पष्ट किया है कि किसी भी तरीके का पैनिक मत करिए, जहां है वहां रहिए और ज्यादा खतरा मोल लेने की आवश्यकता नहीं है, और भारतीय सरकार जो है वो भंसकर प्रयास करिए। तो जो लोग वापस आ गए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जो लोग वहां फंसे हुए हैं वो यकीन करिए कि इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मीडिया और हम सब आपके साथ, होल नेशन इज विद यू, हम सब आपके साथ हैं। एक और साथी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप, नाम बता दीजिएगा सर प्लीज। जी मेरा नाम शान अली है और मैं बुलंदशहर से बिलोंग करता हूँ। जी बिल्कुल शान, आप जब बाहर थे जी तब भी बात हुई थी, अब आप आ गए हैं तब भी बात कर रहे हैं। जी जी, आप बताइए शान कैसा रहा एक्सपीरियंस, बहुत ये पहला ऐसा ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस रहा होगा जिसमें आपकी लाइफ को, मैं बता रहा हूँ लाइफ को काफी यू नो मॉडिफाई किया होगा, ये पहला ट्रेवलिंग एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा। तो पहले तो मैं एक्सपीरियंस जानना चाह रहा था कि आप युद्ध के बीच फंसे, फिर एक परेशानी का दौर, एक टेंशन भरा दौर, फिर एक ट्रेवलिंग का दौर, और घर वापस आके मैंने कहा था कि दिल्ली उतरेंगे तो मिलिएगा, लेकिन आप परिवार से मिलने की जल्दी सीधे बुलंदशहर रुके हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, शेयर करिएगा। जी जी, एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो ये मेरे लाइफ में पहला ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें मैं इतना खौफजदा हुआ हूँ। ठीक है, और ये और बताइएगा शान साहब कि इंडियन एम्बेसी के साथ आप लगातार संपर्क में थे या नहीं थे, आज अब जब भारत वापस लौटे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं आप क्या कहना चाहेंगे कि भारत सरकार का जो रोल था वो ठीक था, अच्छा था या नहीं था, संतुष्ट नहीं है कि आपकी मदद की गई नहीं की गई, या कैसा क्या कहना चाह रहे हैं? जी अगर मैं शुरू के दिनों की बात करूं तो मैं कहूंगा कि जो गवर्नमेंट का रोल था वो एवरेज था। क्यों? क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहती तो जैसे वहां का माहौल था, जैसा यूएसए के लोग लिया था, पहले ही उन्होंने अपने लोगों को एक महीने पहले ही इवैक्यूएट करवा दिया था और स्ट्रिक्टली उन्होंने बोल दिया था कि आप सब लोगों को छोड़ना ही है किसी भी कीमत पर, लेकिन वैसा हमारे साथ नहीं हो पाया, पहली बात। दूसरी बात, जो मेरे दोस्त थे वो मेरे से ज्यादा पहले चले गए थे, क्योंकि उनको या तो उनकी एम्बेसी ने बोला था, कुछ अफगानिस्तान के थे, कुछ पाकिस्तान के थे, कुछ और कंट्रीज के थे, कुछ नाइजीरिया के थे, कुछ और घाना के थे, तो वो लोग ऑलरेडी जा चुके थे पोलैंड। उसके बाद फिर जो ब्लास्ट हुआ कीव में, और जब बॉर्डर पे जो 30 किलोमीटर का एरिया था मेरे फ्लैट से, तो वहां तक मुझे बॉम्ब की आवाजें आ रही थी, रोशनी आ रही थी बॉम्ब की, तो वो बहुत मतलब खौफजदा करने वाला था मेरे लिए। और रातों को मैं जल्दी उठ जाता था जी। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर कर्फ्यू लग गया। कर्फ्यू से फिर हमने डिसाइड किया कि जैसे ही कर्फ्यू हटेगा तो हमको बस यहाँ से निकलना है कैसे भी। तो उसके बाद फिर हमने 9 बजे का टाइम प्लान बनाया। पहले बस का प्लान था कि हम बस लेंगे और सीधा उजगोरोद तक जाएंगे, लेकिन वो बस वाला कैंसिल हो गया, जिसने हमारे पैसे लिए थे उसने पैसे वापस करने से मना कर दिया। ट्रेन का टिकट किया टू विनिसिया, जी विनिसिया किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो प्लेटफॉर्म था उस पर कम से कम बिना तो
तो 4 या 5 हजार के करीब स्टूडेंट थे और पूरा खचाखच भरा हुआ था पूरा प्लेटफॉर्म। लेकिन मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मनमीत को कि उसने एक बंदे को जो ट्रेन का बोर्ड होता है जहाँ पे आता है कि किस प्लेटफॉर्म पे कौन सी ट्रेन आएगी, तो उसने एक बंदे को वहां लगाया और हम सारे इधर खड़े हुए थे प्लेटफॉर्म के पास। तो उसने हमें कॉल करके बताया कि 21 नंबर पे लिविप को जाने वाली ट्रेन आ रही है और जल्दी से चढ़ जाओ। तो हम सब लोग अपने अपना सामान लेके भागे। तो मुझे वहां पे ऐसा फील हुआ कि शायद ये वही ऐसा कुछ नजारा है जैसे 1947 में हुआ होगा डिवीजन के टाइम पर। फिर हमने क्या किया, फिर हमने वो लाइन लगी हुई थी उन लाइन में ना जाके हमने क्या किया, वो जहाँ बटे या दूसरी साइड में, फिर हम उधर से साइड में जाके और फिर आगे से निकल के ट्रेन को क्रॉस करके और फर्स्ट डब्बे में चढ़ गए। तो मैंने पहले भी ट्रेवल किया है बिस जी जी। उसके बाद फिर हमने सीट पर ये बताया बॉर्डर जो था वहां पर आप जब पहुंचते हैं तो वहां के बाद आपको कितने समय में यहां भारत आ जाते हैं जी? बॉर्डर पे एंट्री के बाद में, फिर उसके बाद में एम्बेसी के लोग मिलते हैं, फिर उसके बाद में मुझे 3 दिन होटल में रखा गया जिसका पे गवर्नमेंट ने किया और उसके बाद फ्लाइट हो जाती है। फिर आई थिंक 4 डेज इज टोटल टू केम हियर। ठीक है, मतलब आप जब बॉर्डर क्रॉस करे हैं तब आप गवर्नमेंट की, आपको महसूस हुआ कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी के अंडर में हैं आप? जी बॉर्डर पार करने के बाद में। और एक और चीज मैं पूछ रहा हूँ कि बताया जा रहा है कि यूक्रेन की जो सेना है वहां पर वो किसी तरीके से परेशान करने की कोशिश कर रही है या आपको शील्ड बनाने की कोशिश कर रही है जी? मैं बताना चाहूँ इस सफर में कम से कम बिना तो 6 बार हमारी मिनी बस रोकी गई या फिर हम पैदल जा रहे थे तो हमें रोका गया, हमारे पासपोर्ट चेक किए गए, लेकिन ऐसा कुछ मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ के कोई बदतमीजी की गई हो। सिर्फ मुस्कुराते थे या फिर ग्रीटिंग देते थे और हम चले जाते। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका वापस लौटे हैं। शान साहब हमारे पीछे स्क्रीन पर, बहुत बहुत शुभकामनाएं शान साहब, आप भारत वापस लौट आए हैं और आइएगा दिल्ली तो मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। और सीधे अब प्रोग्राम के डायरेक्टर साहब से कहूंगा कि थर्ड पर्सन जो भी स्क्रीन पर हो उनको लीजिएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से यूक्रेन में जो युद्ध के हालात हैं उसके बीच से जो भारतीय लोग जो हमारे वहां से वापस अपने वतन को लौट रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस को वो शेयर कर रहे हैं आज हमारे साथ। जो वापस लौटे हैं वो ही असली सच्चाई दरअसल बता सकते हैं। एक और सर हमारे साथ स्क्रीन पर है, पीछे मौजूद है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका भारत में, अपने देश में, अपने वतन में। सबसे पहले रवि अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बताइएगा कि कैसे परेशानी के दौर से निकलते हुए आज आप सुरक्षित अपने घर में, बाजू में जरूर आपके पिताजी होंगे, मेरा नमस्कार, मेरा नमस्ते उनको दीजिएगा सबसे पहले। सर एक्चुअली ये आया है वहां से यूक्रेन से, आई एम रवि, सो ही विल शेयर हिज एक्सपीरियंस विद यू। ओके। सो हम लोग पिछले करीबन 7 दिनों से कीव में थे। 24th को हमारी फ्लाइट थी इंडिया आने के लिए, तो हम सुबह एयरपोर्ट पे कीव में थे और तभी ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी हमें। हम एयरपोर्ट पे जब सब लोग को फिर बाहर निकाला जा रहा था और लोग भागने लगे क्योंकि करीबन 3 ब्लास्ट हुए थे एयरपोर्ट पे और एक मिसाइल अटैक हुआ था। सो हम लोग अपना लगेज ले लेके भाग रहे थे, वो काफी डरावना सीन था। और फिर हम लोग काफी किलोमीटर्स पैदल चले, फिर वहां पे हमें एक बस मिली, हमें पता नहीं था वो बस कहाँ जा रही है, बस हम उसमें बैठ गए क्योंकि हमें एयरपोर्ट से निकलना था। वहां पे एक नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे ले जाके रख दिया। फिर हम लोग डिसाइड कर रहे थे कहाँ जाए कैसे करें, हम लोगों ने फिर मेट्रो से एम्बेसी की ओर हम बढ़े। फिर वहां पे हम एम्बेसी में एक स्कूल में अकोमोडेट करवाया था हमें, हम लोग वहीं पर थे साथ में। ठीक है, आप लोग तो देखे रवि, आप लोग बॉर्डर्स के आसपास थे तो बॉर्डर्स तक पहुंचना आसान था और बॉर्डर्स से इवैक्यूएशन भी वेरी इजी है, लेकिन क्या अभी आपको क्या लगता है कि कितनी संख्या में संगी साथी होंगे आपके, आप यूक्रेन से वापस आए हैं, आपके कितने संगी साथी होंगे जो अभी भी आपको लगता है कि इन बिटवीन द कंट्री बीच में कहीं फंसे हैं जहां से बॉर्डर तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, अभी फंसे होंगे और परेशान होंगे? के लिए है जो लोग वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन में जैसे चेर्नोबिल की लवी, ईस्टर्न साइड तो हालात बहुत ज्यादा खराब है, जो सेंटर में ईस्टर्न साइड और कीव जो की सेंटर है और बाकी उस साइड खार्किव सूमी वहां पर जो भी दोस्त वगैरह फंसे हुए उनके लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि वो लोग बंकर तक से बाहर नहीं निकल सकते।
अभी वहाँ पे कंटिन्यूस ब्लास्ट और बॉम्बिंग हो रही है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। अलगाववादी अलग से, लेकिन आप ये और बताइएगा कि इसमें आप जो वापस लौटे हैं इस पूरे प्रोसेस में, कि आप जहां पर थे अपने हॉस्टल से अपने यूनिवर्सिटी से वापस अपने घर तक लौटने के बीच में भारतीय सरकार का कैसा कनेक्शन आपने देखा अपने साथ, कैसा सपोर्ट आपने महसूस किया? एमबीसी में थे, एमबीसी में उन्होंने हमें रहने के लिए छत दी, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये थी, क्योंकि हमें पता नहीं था हमें कीव में कहाँ जाना है, क्योंकि कीव उस टाइम पे सेंटर बना हुआ था। तो हम लोग एमबीसी में थे, उन्होंने हमारी मदद करी जितना हो सका, उन्होंने हमारी मदद करी। बाकी हम लोग खुद से अगर कोई शॉप खुली होती थी तो खाना लेने जाते थे। मैंने तो अपने सामने टैंक्स भी देखे जब मैं पानी लेने गया था, तो काफी वहाँ के हालात तो काफी गंभीर थे, पर जितना हो सका एमबीसी ने भी हमारी मदद करी। और पोलैंड जब वापस लौटे तो उस दृश्य को जरा शब्दों में पिरोइएगा। जब वापस आप घर पर लौटे तो माता पिता देखकर कितना प्रसन्न हुए, कितना खुश हुए, और ये तो ऐसा था बिल्कुल कि जवानी में जंग से लौट कर आए हैं वापस। बिल्कुल बिल्कुल, जब हम लोग वापस घर पे आए तो सब लोग की आंखों में आंसू थे कि उन्होंने इतने दिनों बाद सबको देखा, क्योंकि हम उन्हें फोन पर यही बताते रहे थे कि जिससे उन लोग को टेंशन ना हो कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, हम लोग ठीक है, पर एक्चुअल में हम क्या फेस कर रहे थे हम भी जानते थे। और सब लोग काफी खुश थे, सब लोग लेने आए थे और सब काफी खुशनुमा माहौल था। चलिए ठीक है, तो अब एक और चीज़ है जिस पर मैं बात कर रहा हूँ कि वो ये है कि ठीक है अभी तो ये परेशानियां थी कि कैसे वापस लौटना है, कैसे घर तक लौटना है, लेकिन एक और जो डर है अभी जो छात्र वापस लौटे उनको सता रहा है कि स्टडीज का क्या, अब जो पढ़ाई थी उसकी भी चिंता है, कब कंटिन्यू होगी, कैसे कंटिन्यू होगी, क्या होगा इन फ्यूचर, तो उसको लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग जो वापस रिटर्निंग जो स्टूडेंट्स हैं? तो हमें भी और किसी को भी फिलहाल कोई आइडिया नहीं कि क्या होगा, वो तो सब डिपेंड करता है, बट अभी फिलहाल के तो स्टडी सबकी पॉज है, और हमारा तो फर्स्ट ईयर है, पर लोग हमारे ऐसे भी हैं, मेरा भाई, मेरे सीनियर जो कि फिफ्थ ईयर में अपने फाइनल ईयर में, सबको काफी स्टडीज की बहुत टेंशन है, कहीं डिग्री वेस्ट ना चली जाए, इतना साल जो मेहनत करी वो। बिल्कुल एग्जैक्टली, इतना इन्वेस्टमेंट है, इसका मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट भी है, दिमागी इन्वेस्टमेंट भी है, पढ़ाई लिखाई किया, लेकिन इसके बाद अब क्या कुछ होगा? रवि आपके, रवि जी मैं माफी चाहूंगा, ठीक है आप कहना चाह रहे थे, बात रखिए। मैं चाह रहा हूँ कि एक तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने काफी मदद करी, हम यहाँ पर 3-4 बार लाइव आ चुके हैं आपके चैनल के थ्रू, और जो भी समस्याएं थी आपने सरकार तक पहुँचाने में काफी मतलब सहयोग किया, और तभी ये बच्चे वहाँ से सर इसके एवज में, सर खाली हाथ नहीं, मिठाई का सर खाली हाथ नहीं, बेटा घर को लौटा है, मिठाई का डब्बा चाहिए, और वो चाहिए हमको आशीर्वाद के रूप में, आशीर्वाद दीजिए सर, किसी तरीके से हम लोगों की बात उठाते रहे, आवाज उठाते रहे। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ये है कि आप भी अपने चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट को बोलिए कि इन बच्चों को यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में यदि एडमिशन मिल जाए, जो भी मतलब फीस वहाँ लग रही है वो यहाँ भी दे सकते हैं, सो इफ इट कुड बी पॉसिबल। बिल्कुल बिल्कुल, टोटली राइट, क्योंकि ऑल्टरनेट तो इसका भी निकालना है, बिल्कुल इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यू आर राइट जी। चलिए थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज हम उन परिवारों से मिले, उन लोगों से मिले, उन साथियों से मिले, अपने उन सहयोगियों से मिले, अपने लोगों से मिले, जो लोग जंगी मैदान से निकलकर आज वापस अपने मुल्क को लौटे, और आवाज की टीम, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की पूरी टीम लगातार जो मुहिम के एक रास्ते में है, जिसकी मंजिल दरअसल यह है कि सब लोग सकुशल वापस आ जाए, क्योंकि जब आगे चलकर इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा कि कौन उस वक्त मदद के लिए सामने आया था, तो उसमें हम भी अपना नाम अंकित करा सकें, उसमें हम भी अपना नाम लिखवा सकें। लेकिन एक और चीज, बहुत सारी चीजें हैं जो हमको सिखाती हैं, यूक्रेन वर्सेस रूस यह हमको बताता है कि हमको लाइफ में किस तरीके से अपनी चीजों को रखना है, किस तरीके से काम करना। व्यूअर्स एक चीज को समझिए कि आज यूक्रेन जब रूस के खिलाफ मजबूती के साथ खड़ा है, अपने देश को बचा रहा है, रूस हमला कर रहा है, लेकिन यूक्रेन जिनकी वजह से लड़ाई के मैदान में ताकत के साथ खड़ा था, आज जो बाइडन कहां है, बोरिस जॉनसन कहां है, इमैनुअल मैक्रोन कहां है, और इनके जैसे पता नहीं कितने लोग, कितने नेता, नाटो देश, 29-30 देश कहां है,
अपने देश के बाउंड्रीज को सुरक्षित रखना जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है अपने देश के लोगों को सुरक्षित रखना। वॉर कभी भी किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, युद्ध कभी भी किसी भी चीज का हल नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि आज बात सिर्फ अपने देशवासियों की, भारतवासियों की, अपने लोगों की, अपने मुल्क के लोगों की, क्योंकि अगर मेरे कदम कभी भी डगमगा सकते हैं कभी भी, तो वो सिर्फ अपने भारत के लिए, कि इस मामले में मैं शायद कुछ कड़ तक निष्पक्ष ना रह जाऊं और सीधे अपने मुल्क की, अपने भारत की ही बात करूं। आज का प्रोग्राम भारत वतन वापस लौटे हमारे उन छात्रों के हवाले से था जो सकुशल अब भारत आ चुके हैं, और कई हमारे भाई अभी ऐसे भी हैं, बहनें हमारी ऐसे भी हैं जो वहां फंसी हुई हैं, जल्दी वो वापस आए। और जैसा कि आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के प्रवक्ता बागची साहब बता रहे थे कि दबाव बनाया जा रहा है ऑन बोथ साइड्स, यूक्रेन एंड रूस, वैसा ही एक दबाव हम भी इनसे कहेंगे कि पॉजिटिव दबाव हमारा एक्सेप्ट करिए कि जल्द से जल्द हमारे सभी साथियों को वापस वतन लेकर आइए। और जैसा कि जाते जाते मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जहां अंधेरा है और जहां उजाले की किरण की आवश्यकता है, वहां आवाज की टीम हमेशा उजाला बनने का काम करती रहेगी। शुक्रिया।